हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है लीव्स, और इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो जो कि ईओबीआई के बारे में थी, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत से लोगों ने उससे लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। और जो आपके सवाल थे, मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ उन पर भी रिस्पॉन्ड करता रहूँ। वेल, लीव्स के टॉपिक को आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एज पर लॉ लीव्स कितनी एंटाइटल्ड होती हैं, कि एम्प्लॉई को लीव्स की टाइप क्या है, और ये हम कब कब ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप अगर एक वर्कर हैं, एक एम्प्लॉई हैं, आप चाहे किसी शॉप में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो छुट्टी आपका हक है, राइट। लॉ में मुस्तकिल 10 दिन आप किसी से काम नहीं ले सकते। 10 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉई को जो एक डे ऑफ मिलना होता है, वो मिलना लाजमी है। अभी ये लीव की बात नहीं हो रही, अभी ये सिर्फ ऑफ डे की बात हो रही है, जो हमारा रेगुलर एक वीकली ऑफ आता है, चाहे वो सैटरडे संडे है, चाहे वो सिर्फ संडे है, चाहे वो रेंडम ऑफ है, राइट। तो यहाँ पे ये बात क्लियर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है जिसको बहुत से लोग निग्लेक्ट करते हैं या उनके इल्म में नहीं होता। और जहां तक बात है लीव्स की, तो लीव्स में कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिसमें एनुअल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं, सिक लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं फीमेल्स के लिए। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज में बहुत सी लीव्स ऑपरेट हो रही होती हैं, जिनमें हज उमरा लीव होती है, जिसमें स्पेशल लीव होती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम दे के आप लीव्स को अपने पास इन प्रैक्टिस ला सकते हैं। बहुत सी कंपनियों ने लाया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर कर दूं कि जो पहले मैंने टाइप्स बोली हैं, जिसमें एनुअल, कैजुअल, सिक और मैटरनिटी लीव्स हैं, ये लॉ का हिस्सा है। ये लीव्स आपको मिलना एज पर लॉ आपका राइट है। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, अगर वो उमरा की लीव दे रहे हैं, या वो हज के लिए आपको लीव्स दे रहे हैं, या स्पेशल लीव्स दे रहे हैं, गोइंग एक्स्ट्रा माइल, आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जिसमें आपका लीव कोटा भी नहीं है, वो फिर भी आपको लीव्स दे रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, राइट। सो मेरी बुक में दीज आर फैसिलिटेशंस, दीज आर फैसिलिटीज, नॉट द बेनिफिट। जो बेनिफिट है वो लीगली वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो एनुअल लीव्स, कैजुअल लीव्स, सिक लीव्स और मैटरनिटी लीव्स है। एनुअल लीव्स की तादाद 14 है, चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, इसमें 14 लीव्स की तादाद है। अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, जो शॉप ओनर है, उनकी तरफ से भी आपको 14 लीव्स का मिलना जरूरी है। और ऐसे लोग के जो माइंस में काम कर रहे हैं, जो कानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो लीव की कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें ये है कि खास तौर पे वो लोग जो अंडर द ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं, जो जमीनी सतह से नीचे काम कर रहे हैं, हर 17 दिन के बाद उनको एक लीव एंटाइटल होती है। और माइंस में काम करने वाले वो लोग जो जमीनी सतह से ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक ऑन द ग्राउंड फ्लोर काम कर रहे हैं, उनके लिए हर 20 दिन के बाद एक लीव एंटाइटल होती है। एनुअल लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं 1 साल के बाद, या इनकैश होती हैं। आपका एम्प्लॉयर या तो उन छुट्टियों को अगले साल में मुंतकिल कर देता है, या फिर आपको उन छुट्टियों के बरक्स उसकी पेमेंट कर देता है। लेकिन आइडियल ये है कि आप अपनी लीव्स को विद इन द ईयर ही अवेल करें, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन लीव्स को आपको देने का मकसद भी यही है कि आपकी वर्क लाइफ जो है ये बैलेंस हो, आपका काम, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी सोशल लाइफ, ये कहीं पे भी क्लैश ना हो, और आप एक बैलेंस तरीके से आप इनको लेके चल सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कैजुअल लीव्स की। कैजुअल लीव्स 1 साल में 10 होती हैं। किसी भी जरूरी काम की सूरत में, या किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क, वो कुछ भी हो सकता है, आप उस सूरत में अपनी कैजुअल लीव को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिक लीव्स की। सिक लीव्स या फिर 16 सिक लीव्स होती हैं विद हाफ पे, या फिर 8 लीव्स होती हैं विद फुल पे, और मोस्टली कंपनीज में
ऐसे ही चल रहा होता है कि ये हाफ लीव्स की सूरत में भी आप अवेल कर सकते हैं, फुल लीव की सूरत में भी अवेल कर सकते हैं। इन लीव्स को अवेल करने के लिए बहुत सी कंपनीज ने एक पॉलिसी सेट की होती है कि अगर आपकी सिक लीव्स, कंसेक्यूटिव सिक लीव्स 3 से ज्यादा हो गई हैं, तो उसके लिए आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। अब आते हैं मैटरनिटी लीव की तरफ। मैटरनिटी लीव सिर्फ फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एंटाइटल्ड हैं, जो कि 90 लीव्स हैं। इसमें 45 लीव्स केस से पहले की हैं और 45 लीव्स केस के बाद की होती है, राइट? यानी ये मुकम्मल तौर पे 3 माह आपको कंपनी लीव देने की पाबंद है, जिसमें कंपनी की जो डिवीजन है वो डिफरेंट हो सकती है। मुमकिन है कि वो 1 month प्री केस और 2 months पोस्ट केस आपको ऑफर कर रही हो, ये वेरिएशन हो सकती है, लेकिन 3 months की कंप्लीट लीव्स आपको मिलना, पेड लीव्स मिलना, ये एज पर लॉ आपका राइट है बीइंग अ फीमेल। और एक बात याद रखिएगा कि लीव विदाउट अप्रूवल लीव नहीं है। अगर आपने अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया है, अप्रूवल नहीं लिया, there is huge difference between informing to your supervisor and having your leave approved. There is difference. लोग अपने supervisor को SMS कर देते हैं, अपने senior को SMS कर देते हैं कि आज मैं नहीं आ सकता, that's it. और वो कहते हैं ये हमारा हक है, हमने leave अपनी avail कर ली है। तो ऐसा नहीं है, इस practice को खत्म करें, क्योंकि इस पे employer यह हक रखता है कि आपकी वो छुट्टी unpaid कर दे, अनअप्रूव्ड कर दें, क्योंकि लीव हमेशा अप्रूवल के साथ है, विदाउट अप्रूवल लीव नहीं होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।